चिकन फ्राइड राइस, और उसके लिए हमें चाहिए 3 अंडा। चिकन लेंगे 1/2 किलो, बोनलेस चिकन लेना है, और इसके लंबे लंबे पीस करने हैं इस तरीके से। सोया सॉस लेना है, रेड चिली सॉस लेंगे, वेनेगर लेंगे, ग्रीन चिली सॉस लेंगे, ब्लैक पेपर का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, मैदा लेंगे 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 टीस्पून, व्हाइट पार्ट लेना है हमें स्प्रिंग ऑनियन का 1/2 कटोरी, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, बंद गोभी लेना है हमें 1 कटोरी, अदरक का 1 टुकड़ा लेना है, 4 हरी मिर्ची लेना है, 1 अक्खा लहसुन लेंगे, आप यहाँ पे हरी मिर्ची ज़्यादा भी कर सकते हैं, ग्रीन पार्ट लेंगे हम स्प्रिंग ऑनियन का, 1/2 किलो राइस लेना है, इसे मैंने पका के रखी हूँ, 1/2 घंटा पहले भिगाई हूँ और 2.5 ग्लास पानी में इसे अच्छे से बॉईल की हूँ, इस तरीके से हमारा राइस होना चाहिए। तो ये 1/2 किलो का राइस है। सब में पहले हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची चॉप करके लेंगे, चॉपर ली हूँ मैंने, इसमें डाल दूंगी सब, इसे चॉप करके निकालेंगे, और साथ साथ में चिकन लूंगी मैं, चिकन में हमें मसाले लगा के लेने, पहला नमक ऐड करूंगी इसमें, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, ब्लैक पेपर डालूंगी 1/2 टीस्पून, मैदा डालूंगी और कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे, और इसमें वेनेगर ऐड करूंगी 1 टीस्पून वेनेगर ऐड करने, अभी इसे मिला दूंगी हाथों से, अच्छे से मिक्स करूंगी। हमें तुरंत इसको तलने डालना है, तो कढ़ाई रखी हूँ मैंने गैस पे, मैं एक एक करके चिकन ऐड करते जाऊंगी, तेल हमारा गर्म हो चुका है, चिकन को हम फ्राई करके निकालेंगे। गैस को फास्ट रखेंगे, फिर चिकन ऐड करने के बाद गैस को हम कम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करके निकालेंगे। चिकन हमारा फ्राई होके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें यही कलर चाहिए, इसे रख दूंगी साइड में, और चॉप मसाला भी हमारा तैयार है, इसे भी साइड में रख दूंगी। हमें 3 अंडा लेना है और इसे फेंटना है कटोरी में, तो अंडा तोड़ूंगी मैं, एक एक करके अंडा तोड़ते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से फेंट के लेंगे। अंडा हमारा फेंट के तैयार है, इसे अभी पकाएंगे हम। कढ़ाई रखी हूँ, उसमें मैंने 1/2 चम्मच तेल ऐड की हूँ, अभी इसमें अंडा डालूंगी। कुछ देर रुकेंगे, बाद में अंडे को हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। कुछ सेकंड रुकना है, बाद में हम मिक्स करेंगे। अभी इसे मिक्स करूंगी। पकाएंगे अंडे को तेज आंच में, हमें पकाना है, थोड़ा इसका ब्राउन कलर करेंगे, हल्का ब्राउन। अंडा हमारा पक चुका है और हल्का ब्राउन भी हो गया है, अभी इसे निकाल दूंगी, गैस को कम करूंगी,
इसे प्लेट में निकाल के रख देंगे। फिर से हमें कढ़ाई रखनी है गैस के ऊपर, हमें फ्राइड राइस बनाना शुरू करना है। इसमें तेल ऐड करूंगी अभी। एक चम्मच तेल ऐड करूंगी और थोड़ा सा डालूंगी और आधा चम्मच तेल को गर्म होने देंगे। अभी चॉप मसाला डालूंगी, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का। इसे हमें भून के लेना है एक मिनट का, गैस को कम करेंगे अभी और अच्छे से भून के लेना है। मसाले हमारे भून चुके हैं, अभी इसमें स्प्रिंग ऑनियन का व्हाइट पार्ट डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे। साथ में बंद गोभी डालूंगी, इसे भी मिला दूंगी अच्छे से। गैस को पास ही रखना है और इसे मिलाना है। अभी चिकन ऐड करूंगी मैं तुरंत, इसे भी मिक्स करके लेंगे। इसी में अंडा डाल दूंगी। ये सब हमें तेज आंच में ही करना है, गैस को पास रखेंगे और करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, स्वाद अनुसार नमक डालिए। अभी इसमें चावल डालूंगी। चावल को मिक्स करके लेंगे। चावल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है चिकन के साथ में। अभी हम सॉस डालेंगे इसमें। ग्रीन चिली सॉस डालूंगी मैं 1 टीस्पून। रेड चिली सॉस डालूंगी 1 टीस्पून। सोया सॉस डालूंगी 1 टीस्पून। और वेनेगर डालूंगी 1/2 टीस्पून डालेंगे। अभी इसे मिक्स करके लेंगे अच्छे से। सॉस हमारे मिल चुके हैं चावल के साथ में। वो बर्तन छोटा पड़ रहा था, इसके लिए मैंने बड़े बर्तन में इसे डाल ली हूँ। अभी इसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड करूंगी। और मिक्स करके लेंगे। तेज आंच में करना है हमें। फ्राइड राइस हमारा तैयार है, इसे गर्मा गर्म हम अभी सर्व करेंगे। चिकन फ्राइड राइस बनके हमारा तैयार हो चुका है। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।